Hey guys, I hope you all are doing well. This is me, Parul. Welcome back to my channel, जहाँ हम बात करते हैं fashion, lifestyle, hair care, skin care और shopping hauls के बारे में. तो अगर आपको ऐसा videos देखना पसंद है और आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो please do subscribe to my channel. सो दैट आपको आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे. और आज हम बात करने वाले नाइट केयर स्किन रूटीन के बारे में. एज यू ऑल नो, नाइट केयर स्किन रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि एज ग्लोइंग और हेल्दी स्किन आपको एक दिन में तो मिलती नहीं है ना, तो उसके लिए थोड़े से तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे. तो इसीलिए आपको आपका नाइट केयर स्किन रूटीन कभी भी स्किप नहीं करने. लाइक 5 to 7 मिनट्स लगते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रात को जो आप स्किन केयर करते हो वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए, क्योंकि रात को हमारी स्किन डस्ट और पॉल्यूशन से दूर रहती है और जो हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करें. तो इसीलिए आपको रिलीजियसली आपका नाइट केयर स्किन रूटीन फॉलो करना है. तो गाइस, विदाउट डूइंग एनी डिले हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग. अच्छी हेल्दी स्किन के लिए क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. इस क्लेंजिंग हमें हमारे फेस से सारा डर्ट और मेकअप रिमूव करने में हेल्प करती है. मैं यहाँ कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. पर आप चाहें तो आप मॉइस्चराइजिंग मिल्क भी ले सकते हैं. उससे आपको अपने फेस पे अच्छे से लगाना है और कॉटन की हेल्प से पूरे मेकअप को रिमूव कर देना है. मैं अपने फेस को ऑलवेज डबल क्लेंस करती हूँ. एज डबल क्लेंजिंग से क्या होता है, क्लेंस करने के बाद भी जितना भी हमारे फेस पे डर्ट या मेकअप बचा रह जाता है वो डबल क्लेंजिंग में अच्छे से निकल जाता है. तो उसके लिए मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में उसको पूरे फेस पे लगा के अच्छे से पूरे फेस को धो लीजिए. फेस को धोने के बाद आप फेस को किसी भी कॉटन टॉवल की हेल्प से अच्छे से साफ कर लीजिए जितना भी पानी है. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फेस को रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से डैब डैब करके पूरा पानी पोंछ लेना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएशन. मैं एक्सफोलिएशन के लिए अपने लिप्स पे ब्रश को यूज़ कर रही हूँ. आज उससे क्या होता है, हमारी सारी डेड स्किन निकल जाती है. आप स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज आइसिंग. मैंने यहाँ पे आइसिंग करने के लिए ग्रीन टी आइस क्यूब्स लिए. आइस क्यूब्स को आप किसी भी कॉटन के कपड़े में डाल के अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में लगा लीजिए. एज फेस पे आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारी आइस के अराउंड जितनी भी पफिनेस होती है उसको भी हटाता है. मैंने ग्रीन टी आइस क्यूब्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हमारे डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करती है, उसके साथ साथ हमारे फेस पे जो एक्सेस ऑयल्स निकलते हैं उसको भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ सनबर्न में भी हेल्प करती है. आप चाहे तो नॉर्मल आइसिंग भी कर सकते हैं. ग्रीन टी आइस बनाने के लिए आपको एक पैन में पानी गर्म करना है और उसके अंदर 2-3 ग्रीन टी बैग्स डाल देने हैं. जब वो ठंडा हो जाएगा पानी, उसके बाद आपको उसको आइस ट्रे में डाल के रेफ्रिजरेट कर देना है. उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं. आप ग्रीन टी को एज ए टोनर भी अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं. एज मैंने आइस क्यूब्स लगा लिया, अब उसके बाद आपको अपने फेस को पोंछना नहीं है, अच्छे से सुखा लेना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग. मैं टोनिंग के लिए ऑलवेज रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, पर आप चाहें तो कोई भी टोनर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग एलोवेरा जेल. आप चाहें तो कोई भी बॉटल्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि मैं फ्रेश एलोवेरा जेल ही अपने फेस पे यूज़ करूँ. एज फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए एक मैजिक की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी एंड ई होता है जो हमारे स्किन के एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं और उसके साथ साथ हमारे फेस पे जो भी एज स्पॉट्स आते हैं उनको भी लाइटन करता है. इसके साथ साथ ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड भी रखता है. सो नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग अंडर आई क्रीम. एज अंडर आई क्रीम्स हमारी आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हमारी जो आइज़ की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उस पर रिंकल्स और डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं. तो इसीलिए हमें उसको हाइड्रेटेड और नरिश्ड रखना होता है. तो उसके लिए हमें अंडर आई क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए. आप अंडर आई क्रीम या आलमंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं.
सो नेक्स्ट स्टेप इज कैस्टर ऑयल. आपको अपनी आईलैशेस और आईब्रोज पे कैस्टर ऑयल लगाने क्यूटिप की हेल्प से बहुत आराम आराम से अपनी लैश लाइन पे अपर और लोअर साइड पे और आईब्रोज पे लगाना है. आपको ध्यान रखना है आपकी आईज के अंदर ना जाए. किसी भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं. ये आपकी आईब्रोज और लैश लाइन को थिकर और लॉन्गर होने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट हमें लिप्स को मॉइस्चराइज करना है. उसके लिए आप कोई भी लिप बाम या बोरोलिन यूज कर सकते हैं. मैं बोरोलिन यूज करती हूँ. एज ही लिप्स को लाइटन करने में हेल्प करता है और एकदम से लिप्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है. लास्ट में मैं बॉडी लोशन यूज करती हूँ. एज बॉडी लोशन हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है और हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है. तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे और नरिश्ड रहे. सो दिस वॉज माई नाइट स्किन केयर रूटीन गाइज. आपको भी अगर अच्छा ग्लोइंग हेल्दी स्किन चाहिए तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपका नाइट केयर स्किन रूटीन फॉलो करना है. जैसे एक दिन एक्सरसाइज करने से हम पतले नहीं हो जाते, सेम वे एक दिन स्किन केयर फॉलो करने से हमें अच्छी स्किन नहीं मिलती है. उसके लिए आपको रिलीजियसली अपने स्किन केयर को फॉलो करना पड़ता है और डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं. तो दिस वॉज इट फॉर टूडेज गाइज. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज डू गिव थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड विल मीट वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे होम. बाय बाय. थैंक यू.